आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर सीएम योगी गोरखपुर में मौजूद हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया है। इसके बाद गोरखनाथ मंदिर के आवास में नए मेहमान जिसका नाम गुल्लू है, उसको भी सीएम ने बिस्किट खिलाया। सीएम योगी महायोगी गुरु गोरखनाथ राज्य आयुष विश्वविद्यालय के शिलान्यास और महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के लोकार्पण समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ शामिल होंगे। समारोह से एक दिन पहले ही सीएम गोरखपुर पहुंच गए। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इन दो विश्वविद्यालयों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर लखनऊ से। सचिवालय के सुरक्षा अधिकारी को पद से हटा दिया गया है। डिप्टी एसपी जिला जीत सुरक्षा अधिकारी पद से हटा दिए गए हैं। डिप्टी एसपी जिला जीत को पीटीएस जालौन में अब तैनाती दी गई है। भगत सिंह बने हैं सचिवालय के नए सुरक्षा अधिकारी। पीएसी मुख्यालय में तैनात थे भगत सिंह। जिला जीत पर संदिग्ध पार्सल की जानकारी छिपाने का आरोप है। पार्सल से जुड़े सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट करने का आरोप है। हरदोई के विधायक कुंवर मानवेंद्र सिंह ने सीएम को पत्र लिखा था और सीएम को पत्र लिखकर जिला जीत की शिकायत की थी और उसके बाद पूरे मामले की जांच चली। सीसीटीवी फुटेज भी एक संदिग्ध पार्सल का जो कि उन्होंने छिपाया वो भी उन पर डिलीट करने का आरोप है। संदिग्ध पार्सल की जानकारी छिपाने और उससे जुड़े हुए सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करने का आरोप जिला जीत पर, जिसके चलते उनको पद से हटा दिया गया है, उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। हरदोई के विधायक कुंवर मानवेंद्र सिंह ने सीएम को पत्र लिखा था। सीएम को पत्र लिखकर जिला जीत की शिकायत की गई थी। जिला जीत पर संदिग्ध पार्सल की जानकारी छिपाने का आरोप है। इतना ही नहीं, जिस दौरान ये पार्सल उनके पास पहुंचा और उनके पास से आगे कहां गया, उससे जुड़ा हुआ जो सीसीटीवी फुटेज था वो भी उन्होंने डिलीट किया। ये भी गंभीर आरोप उनके ऊपर है। हरदोई के विधायक ने सीएम को चिट्ठी लिखकर शिकायत की और उसके बाद जांच हुई और अब ये एक्शन हुआ है। आगे बढ़ते हैं कानपुर से। अगली खबर, विकास प्राधिकरण के वीसी अरविंद सिंह की बड़ी कार्रवाई। चार दिन में 130 नक्शे पास किए। 145 मामलों का निस्तारण किया गया। हाई रिस्क क्षेत्र से संबंधित 30 मानचित्रों का निस्तारण हुआ है। बिना मानचित्र स्वीकृत कराए और बिना शमन कराए निर्माण कराए जाने पर कार्रवाई होगी। 145 मामलों का निस्तारण कराया गया है। हाई रिस्क क्षेत्र से संबंधित 30 मानचित्रों का निस्तारण हुआ है। बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अब कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में केडीए के वीसी अरविंद सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है। विकास प्राधिकरण में चार दिन में 130 नक्शे पास किए गए। दिल्ली में बीजेपी नेता जितिन प्रसाद ने परिवार के साथ प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। जितिन प्रसाद ने पीएम आवास पर पहुंचकर पीएम मोदी से मुलाकात की। इसकी जानकारी खुद जितिन प्रसाद ने ट्वीट करके दी है। जितिन प्रसाद ने पीएम के साथ मुलाकात के अनुभव को ट्विटर पर साझा किया। एक पोस्ट शेयर करके उन्होंने जानकारी दी जिसमें वो तस्वीरें भी थी जब वो परिवार समेत प्रधानमंत्री मोदी से मिले। पत्नी और बच्चों के साथ पीएम मोदी से मिलने पहुंचे जितिन प्रसाद और उसके बाद ये फोटोग्राफ्स उन्होंने ट्वीट की है।